हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स टुडे। और आज की हमारी वो कैप वीडियो जो है वो हमारी एक व्यूअर जो जिनका नाम सोनिया गर्ग है उन्होंने हमें वर्ड सजेस्ट किए, तो इसलिए हमने आज के सेशन का नाम डाउट क्लियरिंग सेशन रखा है, क्योंकि इसमें जो भी वर्ड्स थे वो सोनिया गर्ग ने हमें सजेस्ट किए थे। तो पहले तो मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ, सोनिया थैंक यू सो मच दैट यू हेल्प्ड अस एंड यू आर हेल्पिंग अदर्स टू। बेसिकली आज का जो सेशन है, मैंने आपको सबको ये बोला था कि अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कुछ भी अगर वर्ड समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे मेल किया कीजिए। लेकिन मुझे मेल्स आती हैं डाउट क्लियरिंग की, लेकिन जो सोने ने मेरे लिए किया दैट इज़ समथिंग वेरी ग्रेट। तो आज के लिए ये जो वीडियो है पूरी, ये सारे वर्ड्स हैं द हिंदू में से हमने पिक किए हैं और उनके मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कैसे आज के पेपर में यूज़ हुए हैं। इसलिए मैंने वो सेंटेंसेस जहाँ पे वो वर्ड्स यूज़ हुए थे वो भी यहाँ पर लिख दिए हैं, ताकि आपको समझ में आए कि आपने वर्ड्स शायद पढ़े हैं आज के पेपर में और आपको समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं। तो फर्स्ट वर्ड जो सोने ने हमें सजेस्ट किया था वो था एम्बेडेड, जिसका बेसिक वर्ड है एम्बेड एंड इसके आगे ई एम लगा हुआ है। ये एक वर्ब है, एम्बेड समथिंग मीन्स ये एक वर्ब एंड एडजेक्टिव दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है बेसिकली कि एम्बेड को देखना है कि कहाँ पर यूज़ हुआ है। क्रिजिल बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ द एम्बेडेड वैल्यू इन द टॉप 5 NPA केसेस। अभी हमारे पास सेंटेंस है वैल्यू इज़ अ नाउन, तो ये नाउन से पहले यूज़ हुआ है तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। सेकेंडली अब आपको इसके मीनिंग की तरफ लेकर जाते हैं कि एम्बेड का मीनिंग है समथिंग फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू है या तो, या फिर इसका जो दूसरा मीनिंग है वो है इम्प्लांट। इम्प्लांट करना या फिक्स करना, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, राइट। तो अगर हम एम्बेड का मीनिंग समझने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ जो आपके अंदर पहले से ही फिक्स्ड हो, जैसे आप किसी चीज़ की वैल्यू को डिसाइड कर देते हैं, एम्बेडेड मॉरल वैल्यूज़ हो सकती हैं, एम्बेडेड फीचर्स हो सकते हैं। तो एम्बेड का मतलब है समथिंग जो किसी चीज़ में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो एम्बेड मीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट और फिक्स्ड। क्लियर। अब आपको इस वर्ड को याद रखना है, एम्बेडेड मीन्स समथिंग फिक्स्ड और फिक्स्ड वैल्यूज़ हो सकती हैं, फिक्स्ड मॉरल वैल्यूज हो सकती हैं। सेकेंड जो हमारा वर्ड हमें सोने ने सजेस्ट किया था वो था कोहोट। कोहोट मीन्स अ यूनिट। बेसिकली ये जो वर्ड है वो मिलिट्री यूनिट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जैसे आर्मी की अलग अलग यूनिट्स होती हैं तो ये उनके लिए यूज़ होता है। जैसे कि पेपर में इसको यूज़ किया गया था, इवन मोर हार्टनिंग ही इज़ अ पार्ट ऑफ कोहोट इन द इंडियन मैंस बैडमिंटन विद द लाइक्स ऑफ बी साई प्रणीत एंड HS प्रणॉय। इट मीन्स कि ये एक यूनिट का हिस्सा है, ठीक है, इज़ अ पार्ट ऑफ अ यूनिट। यहाँ पर हमने इसको एक मिलिट्री के लिए यूज़ नहीं किया क्योंकि ये स्पोर्ट्स का न्यूज़ है और इसलिए स्पोर्ट्स की यूनिट मतलब कि एक टीम है, एक ग्रुप है। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे हमारे पास, टीम या फिर ग्रुप। जो हमने इस सेंटेंस में इसको एज अ टीम एज अ ग्रुप की तरह यूज़ किया है, लेकिन ये बेसिकली मिलिट्री के लिए यूज़ होता है, मिलिट्री की यूनिट्स के लिए यूज़ होता है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपस्टेज्ड। अपस्टेज्ड स्टेज मीन्स ऐसे कोई जगह जहाँ पे जो इंसान खड़ा है वो थोड़ा अलग दिखाई देता है जो नीचे लोग बैठे हैं ऑडियंस से। तो जो जैसे कि ये हमारे पास सेंटेंस में है, फॉर इंस्टेंस श्रीकांत हैज़ अपस्टेज्ड द करंट वर्ल्ड नंबर 1 कोरिया समथिंग, इस तरह से कुछ सेंटेंस था, ठीक है। तो अपस्टेज का मतलब है कि किसी ने उसको अपनी अटेंशन को ड्राइव कर दिया, ठीक है। सपोज कि स्टेज पे 2 या 3 लोग खड़े हैं, ठीक है, और उसमें से जो एक पर्सन है उसने बाकी 2 लोगों को अपस्टेज किया। इट मीन्स कि उसने बाकी 2 लोगों की जो अटेंशन थी उसको कम कर दिया और अपनी तरफ ज़्यादा लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप अटेंशन अट्रैक्ट करते हो तो आप क्या कर रहे हो, यू आर अपस्टेजिंग अदर्स।
ठीक है। सपोज आप किसी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हो तो वो भी क्या हो जाएगा, अपस्टेज करना। ओके नेक्स्ट है, ये एक उन्होंने मुझे एक फ्रेज हाईलाइट करके दिया था समझने के लिए कि इसका क्या मतलब है सेंटेंस में। रेस्ट पास द रीनिंग, रीनिंग मतलब जो रूलिंग है अभी वो, ठीक है, जिसका कब्जा है। तो यहाँ पर एक प्लेयर का नेम था, ट्वाइस इन द 2 वीक्स एंड रेस्ट पास द रीनिंग वर्ल्ड एंड ओलंपिक चैम्पियन चेन लॉन्ग इन द संडेज फाइनल एट सिडनी। इट मीन्स कि रेस्ट पास द रीनिंग, इट मीन्स कि उसने उसको ओवरटेक किया है। ओवरटेक इन द सेंस उसको हरा दिया, जो पहले से ही रूलिंग कंटेस्टेंट था या रूलिंग स्पोर्ट्स पर्सन था उसको इस पर्सन ने ओवरटेक कर दिया, रेस्ट पास कर दिया। ये बेसिकली क्या है, रेस पास्ट मीन्स आपने किसी को ओवरटेक किया, किसी को हराया, किसी को डिफीट किया, ठीक है। और रीनिंग का मतलब जो इंसान रूल कर रहा है अभी, जिसका सत्ता में है या फिर जिसके पास पावर है। देन हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बाउट। बाउट मीन्स बहुत छोटा, जैसे कि ये वर्ड एक छोटा सा है तो बाउट मीन्स शॉर्ट एक्टिविटी जो बहुत कम टाइम के लिए स्टे करती है, ठीक है। तो या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसका स्पैन ऑफ टाइम बहुत कम हो। द श्रीकांत हु हैड ओवरकम अ बाउट ऑफ ब्रेन फीवर इन जुलाई 2014। अब यहाँ पर श्रीकांत के बारे में लिखा है कि ही हैड ओवरकम अ बाउट ऑफ ब्रेन फीवर। अब यहाँ पर अबाउट ऑफ ब्रेन फीवर का मतलब है कि उसने एक शॉर्ट टाइम के लिए उसको ब्रेन फीवर था, ठीक है, जिसको उसने ओवरकम कर लिया। तो बेसिकली बाउट का मतलब है समथिंग दैट स्टेज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है हेड टू हेड। अब हेड टू हेड का मतलब है, अगर आपको हिंदी में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो हेड टू हेड मतलब बराबरी का, ठीक है। तो यहाँ पर हेड टू हेड का मतलब है दो ऑपोजिशंस, दो ऑपोजिट चीज़ों को या फिर नेशंस को रिप्रेजेंट करने वाले लोग एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं। कन्फ्रंट मीन्स एक दूसरे के अगेंस्ट बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हेड टू हेड का मतलब है टू कन्फ्रंट। कन्फ्रंट करना मीन्स किसी का मुकाबला करना या फिर सामना करना। प्रणीत होल्ड्स अ 5-2 हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट श्रीकांत, ठीक है। तो यहाँ पर टू पार्टीज हैं और दोनों पार्टीज एक दूसरे को कन्फ्रंट या फिर एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हेड टू हेड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है चॉकिंग, जो बेसिकली चौक से आया है। चौक एक मतलब एक इलनेस भी है कि जब आपका गला घुटता है या आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उसको हम चॉकिंग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चॉकिंग का मतलब है कुछ, जब आपका गला किसी कोई दबाता है, इट मीन्स उसने आपके गले को ब्लॉक कर दिया, आपकी ब्रीदिंग को ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे चॉकिंग का मतलब है ब्लॉक करना, रोक देना किसी चीज़ की सप्लाई को, चाहे वो एयर की हो चाहे फूड की हो, ठीक है। तो इसका मतलब है ब्लॉक कर दिया, रोक दिया या फिर स्टॉप करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना टू स्टॉप द सप्लाई। बेसिकली चॉकिंग का मतलब क्या है, टू स्टॉप द सप्लाई ऑफ समथिंग या फिर ब्लॉक कर देना। इंडियन शटलर्स आर नो लॉन्गर चॉकिंग अगेंस्ट मोर इलस्ट्रियस राइवल्स। इलस्ट्रियस मीन्स वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल नोन। राइवल्स हम सबको पता है कि जो ऑपोजिशंस होते हैं उनको हम राइवल्स बोलते हैं। इलस्ट्रियस का मतलब होता है कि जिसको हम पहले से बहुत अच्छी तरह से इंसान को लोग जानते हैं, जिसने कोई मुकाम हासिल किया है। लेकिन इंडियन शटलर्स आर नो लॉन्गर चॉकिंग अगेंस्ट, चॉकिंग अगेंस्ट का मतलब है उनको घबराहट नहीं होती, वो हार नहीं मानते, ठीक है। तो चॉकिंग अगेंस्ट यहाँ पे इसका मतलब है
दैट दे डोंट स्टॉप, वो रुकते नहीं हैं, ठीक है, उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता है, कोई उनको ब्लॉक नहीं कर सकता है, कोई उनको हरा नहीं सकता है, ठीक है। तो इंडियन शटलर्स जो है वेल नोन राइवल्स के आगे अब झुकते नहीं हैं, उनसे हारते नहीं हैं। ये वापस से वर्ड रिपीट हुआ है। इसके बाद है फ्रिंज। फ्रिंज समथिंग छोटा कुछ ऐसा जो किनारों पे रहता है, समथिंग एट द बॉर्डर या फिर एज पे। सपोज आपके पास कोई ड्रेस है जिसके साइड पे एक फ्रिल लगी हुई है, उसको आप फ्रिंज भी बोल सकते हैं। फ्रिंज से आपको फ्रिल याद रहेगा। फ्रिल कहाँ पे लगाते हैं हम? बॉर्डर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिंज का मतलब है जो चीज़ का बहुत थोड़ा सा महत्व हो या इम्पोर्टेंस हो, वो होती है फ्रिंज। हाउ एवर येट इट्स येट टू फिगर आउट हाउ टू डील विद द फ्रिंज एलिमेंट्स। फ्रिंज एलिमेंट्स मीन्स जो छोटे छोटे साइड एलिमेंट्स हैं या फिर माइन्यूट, जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत कम है, विद इन इट्स ओन संघ, कि संघ के अंदर के जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उनसे कैसे डील करना है, ठीक। तो फ्रिंज का मतलब क्या हो गया? छोटी चीज़ें जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत कम होती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बोल्डेंड। ये इसका जो बेसिक वर्ड है वो बोल्ड से आया है। बोल्ड मतलब कि जिस इंसान में बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है, जो किसी से डरता नहीं है, आउटस्पोकन, ठीक है। तो इसके अगर हमने ई एम लगाया है, इट मीन्स हमने इसको वर्ब की फॉर्म दी है, एम्बोल्डन। एम्बोल्डन मीन्स किसी के अंदर हिम्मत देना, किसी को करेजियस बनाना, या किसी को टू हार्टन करना। मतलब कि जब हम किसी को संतावना देते हैं, किसी को हिम्मत देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वी एम्बोल्डन समवन। ठीक है। परिवार फोल्ड आओ हु फील एम्बोल्डन एंड हैव बीन इंटिमिडेटिंग माइनॉरिटीज। अब यहाँ पे एम्बोल्डन का मतलब है कि अब उसको क्या शक्तिशाली फील हो रहा है, वो अब शक्तिशाली फील कर रहा है, पावर फील कर रहा है, ही इज फीलिंग पावर्ड एंड करेजियस, अब उसमें हिम्मत आ गई है। हु फील एम्बोल्डेंड का मतलब है कि अब उसको अंदर से कुछ ऐसा फील हो रहा है कि उसके अंदर किसी ने शक्ति भरी है, किसी ने उसको पावर दी है, ठीक है। नेक्स्ट एक फ्रेज है गो राउंड या फिर गो अराउंड। एक तो इसका मतलब है घूमना, ठीक है, सर्कुलर मोशन में घूमना। एक का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ जो फैल जाए, लोगों तक पहुंच जाए, उसका मतलब होता है गो अराउंड। बट द इम्प्रेशन मस्ट नॉट गो अराउंड दैट इन्वेस्टिगेशंस आर मोटिवेटेड बाय पॉलिटिकल वेदांता। इट मीन्स कि ऐसी बातें ना फैलें। गो अराउंड का मतलब है कि फैलना, स्प्रेड हो जाना, जैसे र्यूमर्स फैलती हैं, वो नहीं होना है। तो यहाँ पर गो अराउंड का मतलब होता है कि ऐसी कुछ चीज़ या कोई बात जो लोगों तक पहुँच जाए। लास्ट आज का जो हमारा वर्ड है वो है प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेटेड मीन्स कुछ ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को पैदा कर दे, ठीक है। सपोज आपने कुछ ऐसा काम किया जिसके रिजल्ट्स आपको नहीं पता, ठीक है। तो इसके अगर हम मीनिंग्स करें तो इसका मतलब होता है प्रोवोक करना, उत्तेजित करना किसी को, ट्रिगर करना, ठीक है, टू कॉज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। कि ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज़ जिसके रिजल्ट्स हमें पता ना हो, या प्रोवोक करना, भड़काना किसी चीज़ को। द फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द फ्लोर प्राइस ऑफ द पल्सेस प्रेसिपिटेटेड द फार्मर्स प्रोटेस्ट। कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी
उसने जो फ्लोर प्राइस थे उसको कंट्रोल फार्मर्स के लिए उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, जिससे फार्मर का जो प्रोटेस्ट था वो भड़क गया। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेटेड का मतलब भड़कना है, भड़कना या पैदा हो जाना या ऐसा कुछ जो पॉजिटिवली ना लिया जाए, जो किसी चीज़ के पैदा होने का कारण बन जाए वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेटेड, या फिर यहाँ पे आप प्रोवोक्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो सेशन था डाउट क्लियरिंग सेशन था, इसलिए इसके वर्ड्स थोड़े कम थे, मैंने इसको डिटेल्स में कम लिखा है, बट मैंने इसमें कोशिश की है कि आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जैसे कि सोनिया ने किया मुझे वर्ड सेंड किए, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी लगता है कि आज के वीडियो में शायद मुझे ये वर्ड समझना है, तो प्लीज़ मुझे वो वर्ड्स ईमेल कीजिए। ठीक है, मेरा ईमेल आईडी ydv28insia@gmail.com है। सेकेंडली, आपको ये वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना है, क्योंकि आप जितना इसको व्यू करेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक्स करेंगे, उतना हमें मोटिवेशन मिलती है रोज़ काम करने की। ठीक है, और तीसरी चीज़, आपने प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द GK Digest Android एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।